सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपको एक दे रखा है कोई फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई, जिसमें लेट सपोज जिसको एक्स मान लेते हैं और उसको वाई मान लेते हैं। एक्स के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, वाई के हैं 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो 1 की इमेज जो है 5 पे बन रही है, 2 की 6 पे बन रही है, 3 की 6 पे बन रही है, 4 की 7 पे बन रही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, इसके अंदर हमें क्या देखना होता है कि मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होता है कि आपको डोमेन बताना होता है, कोडोमेन बताना होता है और रेंज बतानी होती है। तो बेसिकली हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाली जाती है। तो देखो, डोमेन जो होता है वो हमारे पास में जो पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स, मतलब कि पहले वाले के हैं, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 जो कि एक्स के थे, तो वो आ जाएंगे। कोडोमेन्स में हमारे पास में जो वाई वाले हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और रेंज में आपको ये देखना है कि आपको जो जो इमेज बन रही है, सिर्फ जो इमेज बन रही है, जैसे 1 की 5 पे है, 2 की 6 पे है, 3 की 6 पे है, 4 की 7 पे है, तो मतलब 5, 6, 7 ओनली जो होंगे बस वही हमारे पास में रेंज में आएंगे। 8, 9 से हमें कोई मतलब नहीं है, रेंज में 8, 9 का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी भी तरीके का, ठीक है। तो आप इससे निकाल सकते हो कि जैसे 1 की इमेज 5 पे है तो 1, 5, 2 की 6 पे तो 2, 6, 3 की भी 6 पे है तो 3, 6, 4 की 7 पे है तो 4, 7। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। अब देखो, ये जो बना है हमारे पास में रिलेशन बन गया। जैसे कभी इस टाइप से ना देखिए, जैसे मतलब आपको क्वेश्चन सन से निकालना पड़ा है ना, आपको कभी ऐसे दे दिए क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में कि आपको इससे पॉइंट्स निकालने होंगे, जो कि हमने 10th क्लास में वैसे सीखा हुआ अच्छे से। जैसे एक्स के वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई में ऐसा क्या पुट करें, वाई में क्या पुट करेंगे जो 6 आएगा, तो 1 प्लस 5, तो इसलिए 1 और 5 मिला के 6 हो गया, 2 और 4 मिला के 6 होता है, तो इसलिए एक्स की वैल्यू रखते जाओ और वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो ये निकाल लिया हमने। अब देखो, ये जैसे हमने वहाँ पे दो डिफरेंट एक्स वाई से ये पॉइंट्स निकाले थे 1, 5, 2, 6 वाले, तो इस तरीके से ये 1, 5, 2, 4 वाले हैं वैसे ही वो निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, अगर इन केस कभी पूछे जाए तो। अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है हमारे पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है, मतलब मोस्टली टाइम तो पूछा ही जाता है। खैर, तो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो ऐसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट प्लीज़ कर देना, क्योंकि जो भी मेहनत लग रही है हमारी थोड़े बहुत सफल हो जाएगी, हमें भी लगेगा कि मतलब हाँ आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन थे, पहले एक बार आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि मतलब कि जो फंक्शन है या नहीं है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमने पिछला वाला किया था, उसमें फंक्शन था बिकॉज दो डिफरेंट डोमेन्स की एक कोडोमेन बन रहा था, मगर यहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो 2 है, दैट मीन्स डोमेन, एक डोमेन की दो रेंज आ रही हैं 6 और 7, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है ये कोई फंक्शन नहीं माना जा सकता, तो इसको आप कभी फंक्शन नहीं मानोगे। तो जैसे मैं बता रहा था आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर के क्वेश्चंस, ओके। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है हमारे पास में, एग्ज़ाम लिख दिया मैंने गलती से, रिलेशन मैंने एक्चुअली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपकी करवा दी के चक्कर में वो भी लिखते जा रहा हूँ। तो लेट सपोज हमारे पास में कोई फंक्शन दे रखा है आपको इन द टर्म्स ऑफ सेट, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले मतलब कि आप देख लो कि जो रिलेशन आपको दे रखा है सेट के फॉर्म में या फंक्शन के फॉर्म में, उसको आपको तीन चीज़ें दिखानी होती है। पहली चीज़ होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती है सिमेट्रिक, तीसरी होती है ट्रांजिटिव। ये आपको शो करना होता है, कभी भी क्वेश्चन आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन का तो आपको ये तीन चीज़ें पहले शो करनी होंगी कि हाँ भाई वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जैसे आर एक रिलेशन दे रखा है हमें ए बी सी डी कुछ भी दे रखा हुआ है ऐसे टाइप का, तो आपको करना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में ये दिखाना होता है कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। सिमेट्रिक के अंदर हमको क्या दिखाना होता है कि यदि इफ़ ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो जो आपका मतलब कि देन बी ए जो है वो आल्सो बिलोंग कर रहा होगा आर को। ये आपको शो करना कंपलसरी होता है, ठीक है ना, कि अभी ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को तो बी ए बी करेगा, ओके। सिमिलरली जैसे ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम, तो ट्रांजिटिव वाले में हमारे पास में क्या होता है कि यदि ए बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, तो देन जो ए सी होगा, ठीक है, ये जो होगा वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास में
जो ये फंक्शन है गिवन, तो वो हमारे पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, तो प्लीज़ गाइज इस बात का ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से मतलब बच्चों को डेंजरस लगते हैं, वैसे खैर मैं मानता हूँ, बट फिर भी आप लोग को मतलब कि ध्यान रखना है। इनके क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो मैं आपको एक आध करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक अभी मैं छोटा सा करके दिखा देता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट वगैरह में आप बताएंगे, शेयर वगैरह करेंगे तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ये जो नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसे क्वेश्चन आपको चाहिए वैसे भी बना सकते हैं। फॉर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि एक आर हमारे पास रिलेशन है ए बी का, जिसमें ए माइनस बी मॉड के अंदर ध्यान रखना इज़ एन इवन, जिसमें जो ए बी है ए और बी, ठीक है ना, इन दोनों की वैल्यूज जो हमारे पास में लेट सपोज 0 से 5 के बीच में है। ओके, तो 1 2 3 4 5 मतलब यही बन सकती है हमारे पास में। एक्चुअली इसमें 0 को भी इंक्लूड किया जाना है वैसे, मगर मैं 0 को भी इंक्लूड नहीं कर पाया, सॉरी, वो आप 0 लिख लेना उसमें। तो देखो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है कि ए ए जो है हमारे पास में वो क्या होगा, देखो ए बी की जगह पे मैंने ए ए लिख रखा है, दैट मींस कि आपको बी की जगह पे ए लिखना है, तो आपको यहाँ क्या करना होगा, ए माइनस बी की जगह पे ए माइनस ए लिख दो, ए माइनस ए का जो मॉड होगा वो क्या आएगा, 0। अब देखो 0 जो है बेसिकली वो 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसको इवन नंबर मान रहे हैं, ठीक है ना। नाउ देन अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक जो होता है हमारे पास में उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ए बी जो है हमारे पास में जो कि हमने जैसे मतलब कि देख रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो ए माइनस बी का मॉड होगा, और बी ए जो दूसरा वाला कंडीशन था याद है आपको, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी ए बिलोंग्स टू आर था, तो ए बी के लिए ओपन निकाला, बी ए के जो क्या होगा बी माइनस ए। अब आप एक बात बताओ कि दो डिफरेंट जो नंबर्स होते हैं उनको माइनस किया जाता है, मॉड से बाहर निकलने पे वैल्यू दोनों आपस में इक्वल ही आती हैं, तो आप ए माइनस बी बोल लो या नीचे जो बी माइनस है उसमें से माइनस को बाहर निकाल दो, तो मॉड से मतलब क्योंकि वैल्यू माइनस से बाहर निकल के ए माइनस बी ही आएगी। ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, 6th 7th क्लास में हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी होंगी, तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, खैर नहीं तो फिर आप जान लो बस अभी। ओके, तो आपने यहाँ पे देख लिया रिफ्लेक्सिव, हमने प्रूव करके दिखा दिया ए माइनस ए इक्वल टू 0 सिमेट्रिक के लिए ए बी। तो यहाँ पे हम देखो नंबर भी मान लेते हैं, जैसे जो ए ए था उसमें पहले ए बी मान लेते हैं, ए बी को हमने 2 4 मान लिया, तो ए माइनस बी क्या होगा, 2 4 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 2 मॉड्स निकलने पर, फिर वैसे बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 2 जो कि वो इक्वल आएगा, ऊपर जो ए था मतलब उसको हमने 2 2 या 4 4 कुछ भी मान लेंगे, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा। ट्रांसिटिव के केस में हम क्या करेंगे, जैसा आपने सिंपल सा देखा था कि हाँ भाई ए बी और बी ए, तो वाली चीज़ तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना, उसको ऐसे कैसे ही हम लिख देते हैं, ठीक है ना, कि ए बी हमारे पास में दोनों के दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं आर को। अब देखें उसके बाद में हमको क्या निकालना था, ए सी जो होगा वो भी बिलोंग्स करेगा आर को इसके केस के लिए, मगर हम एक काम क्या करेंगे, बट एक काम करो उसको 6 7 तक बढ़ा दो क्योंकि मेरे को एक तीसरा नंबर भी चाहिए। तो जैसे लेट सपोज कि हमने ए बी को 2 4 माना था, तो बी ए जो हो गया वो क्या हो गया 2 4 2। अब ए सी का मतलब हो गया 2 और सी को मैंने 6 मान लिया जैसे, तो 2 माइनस 6 इसका मॉड जो आएगा वो हमारे पास में 4 निकल के आएगा, विच इज़ ऑल्सो एन ईवन नंबर। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये भी हमारे पास में इवन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीज़ हमने शो करके दिखा दिए हैं इसको, खैर ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब और शेयर वगैरह।